इस वीडियो में आप एक ऐसी संस्था के बारे में जानने वाले हो जिसकी शुरुआत दो सन्यासियों ने की और आज वही संगठन 40,000 करोड़ का व्यापार सालाना कर रहा है। एक ऐसा संगठन जिसने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। एक ऐसी संस्था जिसके फाउंडर्स 15-15, 18-18 घंटे काम करने के बावजूद सैलरी तक नहीं लेते और ऑर्गेनाइजेशन से हुए प्रॉफिट्स को वापस से जन कल्याण और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा देते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने पूरे देश को हमारे पौराणिक कल्चर, ट्रेडिशन, आयुर्वेदा, योगा और उसके जड़ से जोड़ा। जी हाँ, मैं पतंजलि की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ दिनों पहले हरिद्वार में था तो मैंने सोचा कि इतनी तारीफें सुनी हैं तो एक बार हरिद्वार के पतंजलि आश्रम में जाया जाए और देखा जाए कि कैसा है ये आश्रम और लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। और यकीन मानिए, जितनी गहराई से मुझे पतंजलि के बारे में जानकारी मिलती गई, मुझे सच में इस संस्था और इसके खूबसूरत कल्चर से उतना ही गहरा प्यार होता चला गया। एंड आई कैन बेट यू, जब आपको पता लगेगा कि ये ब्रांड हमारे देश भारत और हमारे भारतवासियों के लिए क्या क्या कर रहा है, इस वीडियो के एंड तक आप भी अपने दिलों में इसी प्यार को महसूस कर पाओगे। आश्रम में कुछ चीजें ऐसी थी जिसके बारे में जान के सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे मौका मिला कि मैं पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के साथ बैठ के पतंजलि की कहानियां सुनूं और इस संस्था को और अच्छे से समझ पाऊं। पतंजलि का हमेशा से बहुत क्लियर मोटिव है, बिजनेस से ज्यादा उन्हें भारत के लिए कुछ बनाना है। इसीलिए आप देखोगे कि पतंजलि का हर मूव कहीं ना कहीं एक बड़े पर्पस को सर्व करता है और हमेशा देश और देशवासियों के हित में ही रहता है। मैंने कहानियां सुनी बाबा रामदेव स्वामी के योग शिविर में आने वाले लोगों की, आरोग्य केंद्र में आने वाले लोगों की, और इन सब से हमारे समाज में जो वैश्विक स्तर पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, कैसे पतंजलि आज का पतंजलि बन पाया और कैसे इसने मार्केट में अपनी एक जबरदस्त पहचान बनाई। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ पतंजलि एंड इट्स राइज इन इंडिया। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ये वीडियो कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मुझे जेन्युइनली वहां पे विजिट करके और घूम के ऐसा फील हुआ कि इस ब्रांड के बारे में हमें दुनिया तक जरूर पहुंचाना चाहिए, हमें इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचानी चाहिए। सो हियर वी गो। हम सब जानते हैं कि पतंजलि आज के वक्त का मार्केट लीडर है विथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू ऑफर, चाहे वो बॉडी लोशन हो या अगरबत्ती, ऑयल हो, सोप हो या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, चाहे शुद्ध देसी घी हो या फिर पतंजलि नूडल्स। ये ब्रांड हर एक चीज में डील करती है विद ऑलमोस्ट 85,000 रिटेल स्टोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पतंजलि के प्रोडक्ट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं और इसी से पतंजलि की पहचान भी है, पर मैं आज आपको पतंजलि के कुछ ऐसे वर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा जिसका आई एम डैम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय पहले तक मुझे भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जैसे कि पतंजलि योगग्राम, निरामयम, आचार्यकुलम, गुरुकुलम, गौशाला, खेतीबाड़ी, तेलीवाला, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि वेलनेस सेंटर्स, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, पतंजलि यूनिवर्सिटी, BNYS कॉलेज और भी बहुत कुछ। हो गया ना हैरान? ट्रस्ट मी, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पतंजलि हमेशा से ही ऐसा था? क्या इसकी शुरुआत भी इतनी ही बड़ी थी? क्या है पतंजलि की कहानी, आइए जानते हैं। पतंजलि की शुरुआत स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने 2006 में की थी और ये था योग और आयुर्वेदा का दिव्य संगम। बाबा रामदेव योग गुरु थे और आचार्य बालकृष्ण को आयुर्वेदा का प्रचुर ज्ञान था और दोनों ये जानते थे कि भारत में ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों का भरोसा आयुर्वेद से धीरे धीरे उठ रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब इसे आने वाले टाइम में भूल जाएंगे एंड इंडिया विल लूज इट्स कल्चर टू टाइम। इन्हें ये बदलना था। तो 1995 में आचार्य बालकृष्ण और रामदेव बाबा ने दिव्य योग फार्मेसी की शुरुआत की, जहां पे वो आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन्स बनाते थे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की तरह ही इनके शुरुआती दिन भी बहुत मुश्किल भरे रहे। एक तो लोगों को आयुर्वेदा पे ज्यादा विश्वास नहीं होता था और दूसरा कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए, मार्केटिंग के लिए, ज्यादा प्रोडक्ट्स बना पाने के लिए जो पैसों की जरूरत होती, ऑर्गेनाइजेशन के पास उस टाइम उतने पैसे नहीं होते थे। पर फिर भी पहले 3 साल तक दिव्य फार्मेसी ने फ्री में आयुर्वेदिक मेडिसिन बांटे और ये उस टाइम की बात है जब स्वामी रामदेव और आचार्य जी सब कुछ खुद से ही करते थे। रॉ मटेरियल इकट्ठा करने से लेके मेडिसिन बनाने तक का हर काम वो खुद करते थे ताकि फाइनल प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके। 2001-2002 का दौर आया और अब दिव्य फार्मेसी के प्रोडक्ट्स और बाबा रामदेव दोनों धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे। एक नया दरवाजा खुलता दिख रहा था।
स्वामी रामदेव अब एक प्रसिद्ध योग गुरु थे। उनके बड़े बड़े योग शिविर लगने लगे, वो टीवी पे भी टेलीकास्ट होने लगे और उनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ने लगी। और उनकी इसी पॉपुलैरिटी ने हेल्प किया उन्हें फंड्स कलेक्ट करने में। और सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते गए, वैसे ही उन्होंने पतंजलि की शुरुआत की इन द ईयर 2006 एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और सिर्फ एक साल में ही कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन गई। एक और चीज है जिसको जान के आपको बहुत हैरानी होगी। आचार्य बालकृष्ण जी जो पतंजलि के को फाउंडर हैं, वो दिन में 15 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं देश और देशवासियों की सेवा करने और इस विजन को दिन प्रतिदिन और बड़ा करने के लक्ष्य के साथ। पहले मुझे लगता था कि पतंजलि सिर्फ योग और नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में डील करता है, पर इस बार जब मुझे पतंजलि ग्रुप के विशाल रूप के बारे में पता चला तो मैंने आचार्य जी से मिलने पे पतंजलि के अलग अलग वर्टिकल्स और सेंटर्स को विजिट करने की इच्छा जाहिर की। और मेरी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी और पूरे पतंजलि को घूमने में और कवर करने में यकीन मानिए मुझे 4 दिन से भी ज़्यादा लग गए। पर इस वीडियो के माध्यम से अगले 10 मिनट में मैं आपको पूरे पतंजलि की सैर करवाने वाला हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? सबसे पहले हम गए योगग्राम और निरामयम, जो कि 300 एकड़ में फैला हुआ है और एक ऐसी जगह पे है जहां 3-4 किलोमीटर के रेडियस तक कोई शहर तो छोड़िए गांव भी नहीं है। पोल्यूशन और दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल दूर जंगलों में बनाया है ये खूबसूरत सा योगग्राम और निरामयम। यहाँ पे नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक साधनों को यूज करके लोगों की चिकित्सा की जाती है, और अगर कोई बीमारी ना भी हो तब भी खुद के शरीर और माइंड दोनों को डिटॉक्स करने के लिए वहां जाके आप रह सकते हैं। वहां की सारी ट्रीटमेंट्स सिर्फ कुदरती सोर्सेज जैसे कि हवा, पानी, सूरज की किरणें, मिट्टी, आकाश और आयुर्वेदा, इन्हीं सब के माध्यम से की जाती है। जितने भी क्रॉनिक और लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, गठियाबाई, इन सब के यहाँ पे बहुत जबरदस्त टेस्टिमोनियल्स मैंने खुद अपनी आंखों से देखे और लोगों से बात भी की, और रिजल्ट्स हो भी क्यों ना, जिस तरह का यहाँ का स्केड्यूल है बॉडी का डिटॉक्स होना तो निश्चित है। सुबह 4 बजे से यहाँ आपका दिन शुरू हो जाता है और शाम के 8 बजे तक जैसा जैसा आपको बताया गया है वैसे ही आपको करना है, और ना करने पे फाइन भी लगता है। सुबह सुबह योगा क्लासेस, फिर हवन, फिर फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मड थेरेपी, वाटर थेरेपी, पंचकर्मा, और आपके डिजीजेस के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्टर आपको डिस्क्राइब करेंगे वही आपको करना है, चाहे वो थेरेपीज हो या क्रियाएं हो जैसे कि वमन क्रिया, शंख प्रक्षालन, जल नीति, शिरोधारा। मतलब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ बिल्कुल बीमारी के जड़ पे ही काम किया जाता है। वैसे बीमारों के लिए तो यहाँ जाना मजबूरी है, पर जो लोग स्वस्थ हैं और बीमार पड़ना ही नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी साल में एक बार एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए वहां जाना चाहिए। योगग्राम पहला ऐसा आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट सेंटर है जहां 1000 से भी ज्यादा बेड्स अवेलेबल है। वैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये पूरा सेटअप गांव शहर से बहुत दूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहां सुविधाओं की कोई भी कमी होगी। हर तरह के लोगों के लिए हर तरह के रूम्स वहां देखे मैंने, नॉर्मल पोर्टा केबिन से लेके वीआईपी, वीवीआईपी रूम्स, और यहां तक कि पतंजलि के विलास भी, जिसमें जकूजी देख के मैं हैरान रह गया। फिर मुझे पता चला कि यहां बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि सुनील शेट्टी, कादर खान, मनीषा कोयराला और भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहां आके रह चुके हैं। यहां हवा पानी तो बिल्कुल स्वच्छ है ही, खाने में भी जो भी बनता है वो सब यहीं पे प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग करके उगाया जाता है और यहीं के किचन्स में यूज होता है। मुझे जो सबसे जबरदस्त बात लगी वो थे यहाँ के नियम। यहाँ एडमिशन लेने के बाद रूम्स में एंट्री से पहले आपकी पूरी चेकिंग की जाएगी, सारा कचरा और कुछ भी खाने पीने का सामान जो आप लेके आए होंगे वो सब कुछ निकाल दिया जाएगा, और खाने में आपको वही मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितना डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया हो, ना एक दाना ज्यादा ना एक दाना कम। आपके रूम्स में किचन तो मिलेंगी, बट वो सिर्फ इसलिए ताकि आप कभी काढ़ा वगैरह जो दिया जा रहा है वो गर्म करके पीना चाहो तो पी सको, कुछ भी और आप नहीं बना सकते। मुझे ऐसा लगता है कि बस कुछ दिन ऐसे डिसिप्लिन रहने की बात है, बुरी आदतें अपने आप छूट जाती हैं और अच्छी आदतों के साथ जिंदगी हमें और भी ज्यादा प्यारी लगने लगती है। तो ये था पतंजलि का योगग्राम और निरामयम। इसके बाद हम गए पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, जिसे यहाँ के लोग पदार्था भी कहते हैं, एशिया के सबसे बड़े आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से एक, जहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और जहाँ से हर एक पतंजलि का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी होता है और लेबलिंग पैकेजिंग होकर आपके घर की तरफ सीधा निकलता है। पतंजलि एक्सपोर्ट्स का पूरा एक अलग बिल्डिंग, जहाँ से दुबई, ऑस्ट्रेलिया, US के लिए सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, और अभी अभी रशिया, मॉस्को में भी इन्होंने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। पतंजलि के वो यूनिट्स भी विजिट किए जहाँ जूसेस बनते हैं, एलोवेरा, आंवला, फिर पतंजलि का फ्लोर मिल जहाँ आटा बनता है उसकी पूरी अलग बिल्डिंग, स्वीट प्लांट जहाँ पे बिल्कुल ताजी मिठाइयाँ बनाई जाती है वो भी सिर्फ ऑर्डर पे, मतलब आज ऑर्डर दिया तो शाम तक बनके तैयार, और वहाँ सफाई इतनी ज्यादा थी जितनी तो शायद घर के किचन में भी ना हो। वी ऑल्सो विजिटेड द वीट स्टोरेज,
हरिद्वार में स्थित यह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पतंजलि का सबसे बड़ा और मेजर यूनिट है। इसके अलावा पतंजलि के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तेजपुर असम, निवासा जो महाराष्ट्र में है, सोनीपत हरियाणा और भगवानपुर जैसी जगहों पे भी है। पदार्था मुझे एक ऐसी जगह लगी जहां पूरा एक बड़ा सा शहर बसा हुआ हो। पैदल तो आप चल ही नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ई रिक्शा चाहिए जो कि इनके खुद के ही हैं। पूरा लॉजिस्टिक्स, सारी ट्रक्स वगैरह भी पतंजलि के खुद के ही हैं। फिर आगे चल के हमने जड़ी बूटी का पूरा गोडाउन विजिट किया एंड दैट वॉज लिटरली ह्यूज, जिसका कवर्ड एरिया 1,00,000 स्क्वायर फीट था। लगभग 500 तरह की जड़ी बूटियां वहां पे स्टोर थी और उस गोडाउन की कैपेसिटी 11,500 टन की थी। सीरियसली दैट वॉज ह्यूज। उसके बाद बायोगैस प्लांट, देन मोनोकार्टन यूनिट्स जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सबकी पैकेजिंग भी वहीं तैयार की जाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग, मोल्डिंग सब कुछ इन हाउस, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं। वहाँ पे मैंने पहली बार करोड़ों की मशीन्स देखी जो सेकेंड्स में सैकड़ों प्रोडक्ट्स तैयार कर रही थी। पदार्था में हर एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग बिल्डिंग्स थी, जैसे मसाले, दंतकांति, कॉस्मेटिक्स, शैम्पूज, फेस वॉश, आटा, हनी, अनारदाना, बादाम पाक, अमृत रसायन, आंवला कैंडी, आम कैंडी, जिंजर कैंडी, अगरबत्ती, हवन सामग्री, आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई विजिटेड सच अ ह्यूज फैक्ट्री एंड दिस वॉज पदार्था। इसके बाद मुझे मौका मिला फूलों की होली के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का और स्वामी रामदेव जी और आचार्य जी को लाइव सुनने का। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड लिटरली आई लव्ड इट। और हमारा पहला दिन यहीं खत्म हो गया। दूसरे दिन की शुरुआत हमने की फेज वन, जिसे हम पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि आज के टाइम पे 318 बेड्स का हॉस्पिटल है, जहां पर आईपीडी और ओपीडी दोनों तरह के ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं और ओपीडी बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ के 99.9% ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के माध्यम से ही किया जाता है। पहले यह जगह पतंजलि योगपीठ के नाम से जाना जाता था, पर जब पतंजलि मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ तो फेज वन के अंदर ही पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल भी बनाया गया, जहां पर हर तरह के मेडिकल डिपार्टमेंट्स जैसे कि रेडियोलॉजी, डेंटल डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी, गाइनो, ENT डिपार्टमेंट एंड नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि शलय, शालक्य, पंचकर्मा इत्यादि के माध्यम से पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। और ये सारे प्रोसेसेस सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के अनुसार ही ऑपरेट किए जाते हैं। दीज हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो एफिलिएटेड विद नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत रिटायर्ड लोगों को पूरी कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा भी मिलती है। स्वामी जी और आचार्य जी ने भारत की पौराणिक विधियां जैसे कि श्रृंगी चिकित्सा, लीच थेरेपी और नेचुरल डाइट जो कि आयुर्वेदा के असली खजाने हैं, उन्हें विलुप्त होने से सच में बचा लिया। और यहां पर विजिट करके मुझे ऐसा लगा कि यह संस्था दुनिया की सबसे पावरफुल नॉलेज आयुर्वेदा को गायब होने से बचा रही है। पतंजलि ने आयुर्वेदा का प्रचार तो किया ही है, साथ में 50 से भी ज्यादा प्रोसीजर्स जैसे कि शालक्य, शिरोधारा, शिरोबस्ती, शिरोपिच्छु, कटिबस्ती और भी कई सारी थेरेपीज का प्रयोग करके पेशेंट्स को ट्रीट किया है। आई ऑल्सो विजिटेड देयर ऑपरेशन थिएटर, जहां पाइल्स, फिशर और साइनस जैसी बीमारियों की हाइब्रिड टेक्निक्स को यूज करके सर्जरी की जाती है, मतलब नई टेक्नोलॉजी और आयुर्वेदा का समागम, जिससे कि पहले जो रिकवरी 4-5 महीनों में होती थी वही अब 1-2 महीने में होने लगी। वहीं पर पंचकर्म विभाग, पंच तत्व विभाग, फिजियोथेरेपी, जिम, लाइब्रेरीज और पाथ लैब्स भी थे और आईपीडी के 3 बड़े बड़े ब्लॉक्स समर्पण, तपस्या, श्रद्धा, जहां पे रोज बहुत से लोगों की ट्रीटमेंट के साथ साथ उनके रहने की व्यवस्था भी की जाती है। इसी कैंपस में यज्ञशाला भी है, जहां पर अलग अलग प्रकार के यज्ञों के माध्यम से अलग अलग तरह के पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, जैसे कि हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हृदयष्टि, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए वतेष्टि, साइनस, थायराइड, ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स के लिए कफेष्टि और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स के लिए मधुवेष्टि यज्ञ। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इनके राख को पानी में मिला के पीने से भी सैकड़ों तरीके की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसी कैंपस में हमने पतंजलि मेगा स्टोर भी विजिट किया, जहां पर यू विल गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और उसके बाद हम फेज टू की तरफ आगे बढ़े। जिसे पतंजलि वेलनेस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। कोविड के बाद जब लोगों को सच में हेल्थ केयर का महत्व समझ आने लगा तो जो बुकिंग पीरियड यहाँ पहले 2 महीने का होता था वही 8 महीने तक बढ़ गया और लोगों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, इसलिए स्वामी जी ने इसे पूरा रेनोवेट करवाया और इसकी बेडिंग कैपेसिटी 1200 बेड्स की हो गई। और इसी के साथ ये एशिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है विद अ मैक्सिमम नंबर ऑफ बेड्स। फेज टू में सब कुछ काफी सिस्टमैटिक था। फॉर एग्जांपल वहां की मैसिव कैंटीन्स, जहां लोग अपने प्रेस्क्रिप्शंस लेके जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें डाइट सर्व की जाती है, नॉट मोर नॉट लेस। पतंजलि वेलनेस सेंटर के योग भवन की कैपेसिटी 20,000 से भी ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करने की है और सभी पेशेंट्स के हर तरह के ट्रीटमेंट यहाँ पे किए जाते हैं।
ये योग भवन आपने टीवी पे भी जरूर देखा होगा। इसके बाद हम गए वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्टिकल्स एंड ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में। आइए सबसे पहले बात करते हैं पतंजलि हर्बल म्यूजियम की। इस म्यूजियम में अलग अलग हर्ब्स, मेडिसिन और प्लांट्स की ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स मौजूद है। ये सब पेंटिंग्स कैनवस पेपर पे एक्रेलिक कलर से बनाई गई है और इनकी ड्यूरेबिलिटी 200 से भी ज्यादा सालों की है। ये सारी ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स बॉटनी बेस्ड है। लंदन के बोटैनिकल गार्डन में भी 11,000 पेंटिंग्स हैं और हमारे हिंदुस्तान के पतंजलि में अगर हम पेंटिंग्स और ड्राइंग्स को मिलाकर बोलें तो ये नंबर 65,000 यानी कि 65,000 से भी ऊपर जाता है। बोलते हुए कितना गर्व हो रहा है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में भी गया और वहां जाकर देखा कि ज्ञान का भंडार एक्चुअली दिखता कैसा है। इस भंडार में रस शास्त्र एवं आयुर्वेदिक औषधि, शलय, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, आयुर्वेदिक इतिहास, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड बुक्स ऑन मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब और इसके अलावा भी बहुत कुछ मौजूद था। अब बात करते हैं हर्बेरियम की, जो इसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा है एंड इट इज ऑल्सो एक्रेडिटेड बाय न्यूयॉर्क बोटैनिकल गार्डन। इस हर्बेरियम में प्लांट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली गैदर करके रखा गया है। एक प्लांट या हर्ब की सारी प्रॉपर्टीज और इकोलॉजिकल डिटेल्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही बड़े और अद्भुत प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे इंडियन कल्चर में आयुर्वेदा का प्रचुर ज्ञान है जो वक्त के साथ साथ विलुप्त होता जा रहा है, आचार्य जी ने बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और जितने भी रेफरेंसेस यूज किए जा सकते थे उन सभी को मिलाकर 108 वॉल्यूम का वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया तैयार करवाया, जिसकी हर वॉल्यूम में लगभग 1000 पेजेस हैं। और इसके फर्स्ट वॉल्यूम को लॉन्च प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई 2017 को किया था। इस एनसाइक्लोपीडिया को प्रैक्टिकली क्रिएट करने के लिए काफी सारी रिसर्चेस पूरे पूरे साल भर की गई, जिसमें 25-25 साइंटिस्ट्स की टीम महीनों के लिए रिसर्च पे गई और इंडियन आयुर्वेदा के खजाने को संजोकर लेकर आई। इस पूरे प्रोसेस में अलग अलग रिसर्च पेपर्स लिखे गए, राष्ट्रपति भवन, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा जैसी जगहों पर रिसर्च कंडक्ट की गई। पिछले 5 सालों में लगभग 90 से भी ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स डिस्कवर किए गए। जर्नल ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी और जर्नल ऑफ जापानीज बॉटनी भी लिखे गए। आइए मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की कुछ मेजर हाइलाइट्स बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 6 लाख से भी ज्यादा रेफरेंसेस यूज किए गए। विश्व में पहली बार एक पूरी संस्कृत स्कॉलर्स की टीम बिठाई गई जो इन प्लांट्स के लिए प्रॉपर वैदिक टैक्सोनॉमी करे, यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी के अनुसार उनके नामकरण करे। 12 लाख से भी ज्यादा वर्नाकुलर नेम्स, 2000 से भी ज्यादा ग्लोबल लैंग्वेजेस में लिखे गए, जो कि अपने आप में सच में एक बहुत बड़ी बात है। इस एनसाइक्लोपीडिया में 962 से भी ज्यादा हीलिंग प्रैक्टिसेस का जिक्र है, जो कि विश्व भर में फॉलो की जाती है एंड दिस इज लिटरली द बिगेस्ट डॉक्यूमेंटेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। इनफैक्ट 3 जनवरी को नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत इस प्रोजेक्ट को इनोवेशन इन आयुर्वेदा रिसर्च भी डिक्लेयर किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च कंपाइलेशन है एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल जस्ट इन वन क्लिक। द कल्चर इज नाउ प्रिजर्व्ड फॉर लाइफ टाइम। इसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काफी सारी लैब्स भी हैं, जिनमें हायर एंड पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन थ्योरी एक्सेट्रा जैसे क्रूशियल और टेक्निकल एरियाज में काम होते हैं। ये विजिट यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके बाद हम बढ़े पतंजलि औषधीय उद्यान की तरफ, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मेंशन किया गया है। इस उद्यान में 900 से भी ज्यादा पेड़ पौधे हैं और इन पेड़ पौधों पे भी रिसर्च चल रही है और ये लगभग 25 बीघा में फैला हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ कंक्रीट केव और बर्ड हाउस जैसे सुंदर स्थापनाएं भी की गई हैं और इस बर्ड हाउस में 15 लोगों की टीम भी है जो सिर्फ इन बर्ड्स की देखभाल के लिए रखी गई है। तो ये है पतंजलि की दुनिया। अभी सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद हम गए पतंजलि यूनिवर्सिटी, जहां पे योगा और आयुर्वेदा से रिलेटेड बहुत सारी डिग्रीज और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, जैसे कि बीए विथ योग साइंस, बीएससी ऑनर्स इन योग साइंस, पीजी डिप्लोमा इन योग आसन एंड स्पोर्ट्स कोचिंग, एमए, एमएससी एंड पीएचडी इन योग साइंस, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड न्यूरो साइंस और भी बहुत कुछ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो आप जरूर चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ही एक बहुत जबरदस्त सेमिनार हॉल भी था, जहां कम से कम 2500 लोग एक साथ बैठ के एक जगह पे इवेंट अटेंड कर सकते, एंड दैट टू वाज मैसिव। और अब यहां हमारा सेकेंड डे भी खत्म हो गया। मैंने कहा था ना, जितना डीप आप पतंजलि के बारे में जानते चले जाओगे उतना ज्यादा आपको प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि ये ब्रांड हमारे देश के लिए सच में बहुत कुछ कर रहा है। इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड डे वी स्टार्टेड विद द आईटी डिपार्टमेंट ऑफ पतंजलि, जहां से सारा टेक्नोलॉजिकल पार्ट ऑपरेट किया जाता है। पतंजलि के 10,000 से भी ज्यादा बिजनेस पार्टनर और 80,000 से भी ज्यादा स्टोर्स पूरे भारत में जिस ऐप के माध्यम से बिलिंग एंड इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ मैनेज करते हैं, वो सब बीपॉस को यूज करते हैं।
एंड जिसका सारा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कंपनी के एंड से ही प्रोवाइड किया जाता है। पतंजलि लिटरली हैज अ ह्यूज आईटी टीम। इसके बाद वी विजिटेड आचार्यकुलम एंड गुरुकुलम और ये जेन्युइनली इस पूरे ट्रिप की मेरी सबसे फेवरेट जगह रही है। दीज आर कंप्लीट बोर्डिंग स्कूल्स बाय पतंजलि। आचार्यकुलम 5th से 12th के बच्चों के लिए और गुरुकुलम में नर्सरी से भी बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं। आचार्यकुलम जो कि कंसीडर की गई है एज द नंबर वन स्कूल इन देहरादून रीजन, जिसमें ग्रेड 12th का स्कूल रिजल्ट एवरेज वॉज 90.37%। तो रिजल्ट्स के मामले में तो ये स्कूल आगे है ही। डेली स्केड्यूल सुन के आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे कि क्यों इनके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। यहाँ पे बच्चों की सुबह 4:30 बजे होती है, 15 मिनट में फ्रेशन अप एंड 40 मिनट की फिर योगा क्लासेस सुबह सुबह। देन दे गेट रेडी फॉर द स्कूल एंड 7:05 पे सब हवन के लिए इकट्ठे होते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके नॉर्मल डेली स्केड्यूल शुरू हो जाती है जैसे क्लासेस एंड ऑल। यहाँ का पूरा स्केड्यूल आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। अब इस स्केड्यूल से साफ पता चलता है कि बच्चों में किस तरह के वैल्यूज डेवलप हो रहे हैं। और बच्चों की सबसे बड़ी टेंशन कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब रोज आप योगा कर रहे हो ना तो कंसंट्रेशन तो अपने आप इंप्रूव होगी। और यही कारण है कि यहाँ का हर एक बच्चा काफी शार्प माइंडेड था। आई मेट देम, आई टॉक टू देम और उनसे बात करते वक्त मुझे कोका कोला की एक स्ट्रैटेजी याद आ गई, जिसमें कोका कोला अंडर प्रिविलेज स्कूल को फंड करता है और बदले में ये डील साइन करता है कि उन स्कूल्स की कैंटीन में सिर्फ कोक बिकेगी, क्योंकि वो ये जानता है कि जितनी छोटी उम्र में आप जो चीज़ें दिमाग में डाल दोगे वो इंसान लाइफ टाइम उसका हैबिचुअल हो जाएगा। इससे कोक की बहुत प्रसिद्धि होने में बहुत हेल्प मिली। सिमिलरली पतंजलि स्कूल्स में वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर और अपने रूट से जुड़े रहने की सीख बहुत छोटी उम्र में दे दी जाती है, जिससे साफ है कि भारत के भविष्य को एक बहुत सही शेप दिया जा रहा है। बच्चे अकेडमिकली तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, स्पिरिचुअली भी काफी इंक्लाइंड है, एक्टिवनेस की तो बात ही मत पूछो। सबसे खास बात इन स्कूल्स की, मैंने हर एक सिंगल बच्चा वहां पे फिट देखा, कोई एक बच्चा भी ओवरवेट नहीं था और सबके सब जबरदस्त एक्टिव। पूछने में पता चला कि ये सब यहाँ के खान पान और डेली स्केड्यूल का ही असर है। हैंडबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, जूडो, टाइकॉन्डो और स्केटिंग और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स, इसमें भी वहाँ के बच्चे काफी आगे थे। ये था पतंजलि का एक नया रूप जिससे मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। पतंजलि आचार्यकुलम एंड गुरुकुलम, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कौन कौन इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। नाउ नेक्स्ट डे वी विजिटेड गौशाला एंड खेती बाड़ी। गौशाला जहाँ 600 से भी ज्यादा गायों का पालन किया जा रहा है, 4 से 5 तरह की अलग अलग नस्लें जैसे कि साहीवाल, गिर, हरियाणवी, कॉकरोच और भी बहुत सारी अलग अलग नस्लें। खास बात ये थी कि बाकी जितने भी डेयरी प्लांट्स होते हैं वहाँ पर दूध निकालने के लिए कपिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, पर यहाँ आचार्य जी के सख्त निर्देश हैं कि दूध हाथों से ही निकाला जाएगा, क्योंकि मशीन से गायों के थन को काफी क्षति पहुंचती है और गायों का लाइफ स्पैन भी बहुत कम हो जाता है। और यहाँ से जो भी दूध निकलता है वो संस्था में ही यूज किया जाता है, जैसे कि आचार्यकुलम में, गुरुकुलम में, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, योगग्राम और निरामयम वेलनेस सेंटर्स के पेशेंट्स के लिए। और इसीलिए कहा जाता है कि पतंजलि अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। गाय के गोबर का भी बहुत समझदारी से उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि बायोगैस प्लांट लगाया गया है जहां से गोबर को गैस में कन्वर्ट करके वहीं के किचन्स में यूज किया जा रहा है। कुछ गोबर का यूज करके काउ स्टिक्स भी बनाए जा रहे हैं जो हवन सामग्री में यूज किया जाता है, और कुछ गोबर से वर्मी कंपोस्ट यूनिट में प्योरली ऑर्गेनिक खाद को प्रिपेयर किया जा रहा है जो वहीं की खेती बाड़ी में यूज होता है, ताकि प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू फूड की क्वालिटी एकदम जबरदस्त हो। जहां एकदम ऑर्गेनिक तरीके से काफी सारे फसलों की खेती की जाती है, जैसे कि खीरा, तोरी, आलू, चुकंदर, मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं वहां पे हर एक सीजनल वेजिटेबल मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां आम के भी लगभग 250-300 पेड़ थे। गिलोय, जिसके काढ़े ने कोविड में इम्यूनिटी बूस्ट करने में काफी हेल्प की, वो भी वहां पे उगाया जा रहा था। अनार का पेड़, अमरूद का पेड़, और ये सारा का सारा मटेरियल संस्था के ही किचन्स में उन्हीं के खाने में यूज किया जाता है। ये भी एक कारण है कि लाखों लोग जो पतंजलि के साथ जुड़े हुए हैं वो इस संस्था से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि संस्था भी उनसे उतना ही प्यार करती है। पतंजलि अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है जो अपने विदेशी राइवल से बहुत ऊपर है, और ये सब मुमकिन हुआ 4 मेजर फैक्टर्स की वजह से जो पतंजलि फॉलो करता है। पतंजलि की ब्रांड पोजीशनिंग, पतंजलि की पोजीशनिंग ही कुछ ऐसे हुई है कि लोग इसके बारे में बात करते थकते ही नहीं है। ऑलमोस्ट 12-20% ऑफ द रेवेन्यू स्पेंड किया जाता है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च बाय द ब्रांड, और एक संतुष्ट ग्राहक सबसे बड़ा प्रचारक होता है। इसलिए माउथ पब्लिसिटी की यूनिक मार्केटिंग भी एक मेजर रोल प्ले करती है पतंजलि की ग्रोथ में, और आज ये इतना पॉपुलर है कि हम सबके घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट पतंजलि का जरूर मौजूद है। स्वदेशी, पतंजलि का बना हर प्रोडक्ट मेड इन इंडिया और स्वदेशी है।
इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि देश का पैसा देश के अंदर ही रहता है, मतलब ग्राहक भी देश के और विक्रेता भी देश का, और प्रॉफिट से जो पैसे कर्मचारियों की सैलरी जाएगी, जो रॉ मटेरियल खरीदे जाएंगे वो भी देश के, जो टैक्स जाएगा वो भी देश का, और जो जीडीपी बढ़ेगी वो भी अपने देश की। पतंजलि इस मामले में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड और वेल ड्रिवन है, क्योंकि स्वामी रामदेव जी का एक सपना था कि वो एमएनसी प्रोडक्ट्स को स्वदेशी से रिप्लेस कर दें, और ये सपना काफी हद तक साकार हो चुका है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, पतंजलि को शुरू करने का एक सबसे बड़ा मोटिवेशन यह है कि पतंजलि उपकार है, व्यापार नहीं। पतंजलि का एम हमेशा से यही रहा है कि वो ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, और वो भी कम से कम कॉस्ट में। लेकिन कैसे पतंजलि इतना सस्ता है इवन आफ्टर मेंटेनिंग द बेस्ट क्वालिटी? पतंजलि या तो अपनी सारी फार्मिंग और रॉ मटेरियल खुद ऑर्गेनिकली कल्टीवेट करता है, या फिर फार्मर से डायरेक्टली लेता है, एंड इट रिमूव्स ऑल द मिडलमैन फ्रॉम द पिक्चर, जिससे वो प्राइस को काफी कम रख पाते हैं, एंड कम प्राइस की वजह से हर सोसाइटी और हर बैकग्राउंड के लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज कर पाते हैं, जिससे धीरे धीरे बाबा रामदेव का सपना साकार होता चला जा रहा है। लास्टली एक चीज जो पतंजलि को बहुत सक्सेसफुल बनाती है वो है पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर स्वामी रामदेव जी। इनकी सच में एक जबरदस्त पर्सनालिटी है, जिससे भारत का एक आम नागरिक भी इनसे कनेक्ट हो पाता है। उन्हें लगता है कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। उनके फैंस एंड फॉलोअर्स जो सालों से उनके द्वारा सिखाए गए योग और प्राणायाम से अपने जीवन को स्वस्थ और सुखद बना रहे हैं, जब वो ये देखते हैं कि वो पतंजलि के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पतंजलि के कस्टमर बन जाते हैं, और बाकी का कमाल तो पतंजलि की क्वालिटी अपने आप कर देती है। फिर वो रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं, और ऐसे पतंजलि का रिकरिंग कैश फ्लो बढ़ता चला गया। अपने इनोवेटिव और हार्मलेस प्रोडक्ट के माध्यम से पतंजलि नेचुरल और बिल्कुल हार्मलेस होने के कारण इन्हें बच्चे भी यूज कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि पतंजलि इज ओमनी प्रेजेंट। पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूशन ने ये मेक श्योर किया कि पतंजलि ना कि सिर्फ शहरों में बल्कि छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों में भी प्रेजेंट हो, और देश का हर एक इंसान आयुर्वेदा से जुड़े। बीइंग इन द मेट्रो सिटी, मैं ये बोल सकता हूं कि लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, सिटी की भाग दौड़ में लाइफ मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है, और वहीं पे पतंजलि सालों से ये कोशिश करती है कि लोगों की सेहत भाग दौड़ भरी जिंदगी के बावजूद मेंटेन रहे। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट पतंजलि इज वन ऑफ द ब्रांड्स जिसमें हमारे पूरे देश को प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कल्चर को, हमारे वैल्यूज को, हमारे रूट्स को जिंदा रखने में बहुत हेल्प कर रही है। मोरओवर, पतंजलि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल भी है, जिससे लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म गोल के लिए काम करना, प्रॉब्लम्स को जड़ से सॉल्व करना, टीम की रिटेंशन, कल्चर डेवलप करना, स्ट्रांग लीडरशिप, और भी बहुत कुछ। पतंजलि ने पिछले 5 साल में हर साल 50% से भी ज्यादा की ग्रोथ की है, और 2022 में पतंजलि ग्रुप का टर्नओवर 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का रहा है। पर मेरे साथ किए गए एक इंटरव्यू में आचार्य जी ये साफ कहते हैं कि हमारे कार्यों का आकलन आप अर्थ या धन से नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा धन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने और लोगों को रोजगार देने में ही जाता है। और ये बात भी सच है कि 15-15 घंटे काम करने के बावजूद दोनों संत बिल्कुल ही साधारण जीवन जीते और उतनी ही चीजों पे पैसा लगाते हैं जो जिंदगी जीने और संगठन को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हो। स्वामी रामदेव और आचार्य जी ने मिलके एक ऐसा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बना दिया जो कि हाईली सक्सेसफुल है, और इंस्पायरिंग बात यह है कि इसकी कमाई का 100% पैसा ह्यूमन वेलफेयर को ही जाता है, मतलब ये लोग इसका एक पैसा भी नहीं रखते, और पतंजलि निस्वार्थ अपना काम कर रही है। आकलन अगर करना ही हो तो उससे करें कि कितने लोगों का फायदा हुआ, कितने घरों में खुशियां आई, कितने जीवन प्रभावित हुए, और भारत कितना आगे बढ़ा। आप इस पूरे पॉडकास्ट को जरूर सुन सकते हैं, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। पतंजलि में लोगों का फेथ है, ट्रस्ट है, और इसीलिए वो अपना काम कर पा रही है। द आउटकम ऑफ द ब्रांड जो कि स्क्रैच से शुरू हुआ था 1995 में, अब सच में अनबिलीवेबल लगता है। लेकिन ये सब कुछ हमारे सामने है, और हम में से हर एक इंसान एक मॉरल लेसन इस वीडियो से सीख सकता है कि कैसे कम्युनिटी के लिए वैल्यू ऐड करें, और कैसे जिंदगी आपको वही लौटाती है जो आप जिंदगी और दुनिया को देते हो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका पतंजलि के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, और आप क्या शेयर करना चाहोगे हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ, ताकि हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख पाए। एंड ये भी जरूर बताना कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे, एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।